नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। चलिए ले चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। अलकायदा के दो आतंकी गिरफ्तार, कई राजनेताओं समेत अयोध्या काशी की सुरक्षा बढ़ी। एटीएस को ऑपरेशन के दौरान दो प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और भारी यात्रा में अन्य हथियारों सहित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। नए आईटी नियमों पर ट्विटर ने दी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट, कहा 133 पोस्ट पर किया एक्शन, 18,000 अकाउंट किए सस्पेंड। 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जमकर किया नंगा नाच। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी किया 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, बोले पुराने बिल होंगे माफ। एम्बुलेंस मामले में 12 बाकी से मुख्तार अंसारी का एक और करीबी गिरफ्तार, अब तक 7 पकड़े गए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में आतंकी नासिर और इमरान को पटना से दिल्ली ले गई एनआईए, 16 जुलाई तक रिमांड। यूपी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस के लोकसभा में सदन का नेता बनने के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, अदालत ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका का नहीं है कोई आधार। भूपेश बघेल ने कहा सीएम मैं ही रहूंगा, बाकी सब कयास। छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने की अटकलों पर सीएम भूपेश बघेल ने विराम लगा दिया है। दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे ऑडिटोरियम हॉल, दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 के गाइडलाइन के तहत शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल खोलने की अनुमति दी, 50% क्षमता के साथ इन स्थानों पर हो सकेगी गैदरिंग। आज दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून, कई इलाकों में हो सकेगी बारिश। गहलोत सरकार ने खत्म कर दिया वीकेंड कर्फ्यू, अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है, प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया। बीकानेर में गर्मी का कहर, 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सीएम सोरेन ने कहा झारखंड में निवेशकों को रियायत देने के लिए सरकार प्रयासरत। रायपुर एयरपोर्ट से 6 नई गाइडलाइंस होंगी शुरू, बुकिंग ओपन। पंजाब में दिल्ली मॉडल और सिख सीएम के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद में है आप। दिल्ली मेट्रो अलर्ट के अंतर्गत यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पिंक लाइन के 4 स्टेशन सोमवार से बंद रहेंगे। बिजली की मांग बढ़ी, जुलाई के पहले सप्ताह में खपत 30 अरब यूनिट के पार। भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी राजधानी स्पेशल ट्रेनें। महंगे पेट्रोल से आज आम जनता को राहत मिलेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज जनता को राहत दी गई है, रविवार को ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। सोने की खरीदारी करने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कल से आप सस्ते में सोना खरीद सकेंगे। चीन में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, बीजिंग के सभी टूरिस्ट प्लेस बंद, आपातकाल लागू। अमेरिका के CDC का दावा, सबसे खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट, पूरी दुनिया इससे बचे। खतरे में है पृथ्वी, 16 लाख किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा सौर तूफान आज मचा सकता है तबाही। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहे HCN न्यूज, धन्यवाद।